अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नाज़ीनामा में। आज की वीडियो में भी हम पाकिस्तान की ही सैर करेंगे। जो कुछ पाकिस्तान में मैंने विज़िट किया, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों की पाकिस्तान की यादें ताज़ा हो जाए। जिस तरह हम लोग जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं, तो हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं, चाहे जिस भी मुल्क में हम लोग रह रहे हों, तो हमारी कोशिश होती है वहाँ का स्ट्रीट फूड हम लोग जितना एंजॉय कर सके, अपना शौक हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें चाहे मिल भी जाएँ, चाहे आप सऊदी में रह रहे हों, दुबई में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, लेकिन आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलता। इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले जब कोई जद्दा से आ रहा होता है, तो वो भी एक फरमाइश करते हैं, और वो होती है अलबेक की। तो जो लोग जद्दा में नहीं रहते हैं, जिन्होंने कभी अलबेक नहीं खाया, उनको मैं बता दूं कि ये एक ब्रोस्टेड चिकन है जो यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है जद्दा में। और जो भी यहाँ से खा के जाते हैं, फिर उनको भी याद रहता है और वो हमेशा मतलब उसकी डिमांड करते हैं। तो ये हाँ यहाँ से लेके जाते हैं पाकिस्तान वालों के लिए। और इस ब्रोस्ट की सबसे ख़ास बात होती है इसकी सॉस, गार्लिक सॉस होती है, जो कि बहुत मज़े की होती है। और जिन्होंने अलबेक खाया है ना, तो फिर उनको तो कोई और ब्रोस्ट पसंद ही नहीं आता है। तो हमें वहाँ किसी ने बताया कि इससे मिलता जुलता जो टेस्ट है ना, यहाँ पे स्टार्ट किया है किसी ने, क्योंकि वो भी सऊदीया से आए हैं और वो सेम अलबेक जैसा टेस्ट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। और तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं, कि अगर अच्छा लगता है हमें तो फिर मैं अब आप लोगों से भी शेयर करूँ। क्योंकि बहुत सारी हमारी फैमिलीज़ जो पाकिस्तान चली गई हैं यहाँ से, लेकिन वो जब भी फ़ोन पे बात होती है, वो बहुत याद करते हैं जद्दा को, और उसमें अलबेक का जिक्र ज़रूर होता है। तो अगर मुझे सिमिलर लगा तो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो ये हम लोगों ने खाया, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। सिम अलबेक जैसा तो नहीं आप कह सकते, और इनके पास सिर्फ स्पाइसी होता है, सिंपल वाला नहीं होता है। टेस्ट में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अगर आप बहुत मिस कर रहे हो ना अलबेक को, तो आप ये खा लो तो आपकी क्रेविंग कुछ कुछ हद तक तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सॉस इनका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आपको वही टेस्ट आएगा। और मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूंगी कि लाहौर में मैंने क्या क्या शॉपिंग की, वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ पैकेजेस मॉल। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस मॉल में जितने भी लॉन के कपड़ों के जो भी ब्रांड्स थे, गुल अहमद, और उन सब पे मुझे जो है ना लॉन के कपड़ों का एक एक स्टैंड हर जगह मिल गया। क्योंकि मुझे यहाँ लेके आने के लिए लॉन के कपड़े चाहिए थे, तो वो मुझे यहाँ से बड़े आराम से मिल गए। और क्योंकि सीज़न नहीं था, ऑफ सीज़न थे, तो बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए। और ये एक शॉप जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, इसमें कुछ इस तरह के डेकोरेशन पीसेस थे कुछ ट्रेडिशनल से। और ये एक स्टॉल था जो नमक है, पिंक सॉल्ट जो है, उसके साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे है बॉम्बे चौपाटे। अगर आप गए हैं शॉपिंग के लिए, तो आप खाए बगैर तो डेफिनेटली वापस नहीं आएंगे। तो और पाकिस्तान गए हैं तो क्या खाएंगे, मेरे मतलब अगर आप चटोरे हैं तो आप ऐसी चीज़ें ही खाएं। तो ये बॉम्बे चपाटे के गोलगप्पे, दही बड़े, और सबसे मज़े की चीज़ थी राज कचौरी, जो एक बड़ा सा जो वो गोलगप्पे जैसे होता है, और उसमें वो सारी चाट जो है वो मिक्स करके देते हैं, दही बड़े, चना चाट, बहुत एक यम्मी और मज़े की चीज़ है। अगर आपका चक्कर लगता है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट था, क्योंकि ये पाकिस्तानी फ्लेवर से थोड़ा सा हटके, थोड़ा इंडियन फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ रहा था, और बहुत बहुत मज़े का जो है ना वो था। और भी बहुत सारी चाट इनके पास, पापड़ी चाट और मिक्स चाट, समोसा चाट, तो आप हर तरह की चाट यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से। मेरे पाकिस्तान जाने में जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना, वो होती है कि मैं अपने भांजे से मिलूँगी। तो मैं आप लोगों को भी मिलवा रही हूँ। तो मेरा भांजा है, हसन है इसका नाम, बहुत प्यारा है ये मुझे, और माशाल्लाह ये अपने एक्सप्रेशन से हमें अपनी सारी बात समझाता है। हेलो हसन, खाला आपसे बहुत प्यार करती हैं, और अल्लाह मेरे बच्चे को कामिल शफा अता करे। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये भी मेरी बड़ी बहन ने ही बनाई थी। और ये सर्दियों की सौगात है, हल्दी और बेसन की बर्फ़ी। इसमें कच्ची हल्दी इस्तेमाल होती है, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली अगर सर्दियों में जिन लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, जोड़ों का दर्द, या इस तरह की एक बहुत मज़े की यम्मी सी चीज़, और वो बहुत हेल्दी। तो इसमें आपको दो तरह के जो है ना फ़ायदे मिलेंगे, कि आप एक सर्दी में क्योंकि किसी चीज़ से खाने का दिल करता है, और फिर वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद हो।
इसकी रेसिपी आप नोट कर लें। 2 कप बेसन लेना है और आधा कप सूजी लेनी है और 2 कप ही देसी घी लेना है। और ये सूजी और बेसन को देसी घी में अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह का जो है इसको काफ़ी थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन बहुत ही जो है आपको इससे फ़ायदा होगा। ये सर्दियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इसको भूनना है, काफ़ी हद देर तक इसको भूनना है। शुरू में जो हमने देखा था ड्राई ड्राई सा, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का इसका टेक्सचर होता जाएगा। इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ नहीं बने। और इसको तब तक जो है ना हमने इसको पकाना है और इसको भूनते रहना जब तक इसका इस तरह से टेक्सचर नहीं हो जाता, ये इस तरह से पतला नहीं हो जाता। फिर इसमें हमने 1/2 टीस्पून जो है ना इलायची पाउडर डाल के उसको इसमें मिक्स कर दिया है। इसको मिक्स करके थोड़ा सा और चम्मच चलाएँगे और इसका ऐसा टेक्सचर हो जाएगा ना, तो फिर इसमें हमें ये हल्दी मिलाएंगे। ये कच्ची हल्दी हमने ली थी, तकरीबन आधा किलो ही बेसन था और 1/2 कप सूजी थी। तो ये जो हल्दी है इसको छील के, कच्ची हल्दी को छील के कश कर लें या आप कूट लें और उसके बाद उसको घी में हल्का सा भून लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। वो हल्दी जो है ना जब बेसन भुन जाएगा अच्छी तरह, इस तरह पतला सा हो जाएगा, वो हल्दी हमने फिर बेसन के अंदर मिक्स कर देनी है। तो जितना अगर 2 कप बेसन है तो 2 कप ही आपका जो है वो घी होगा और 1/2 किलो हल्दी होगी और 1/2 कप सूजी होगी। और ये इसको इस जग मकाम पे इसको जो है ना बहुत अच्छी तरह मिक्स करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हल्दी को बेसन में मिक्स करना जो है एक बहुत मुश्किल काम है। तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छी। तो इसको हम मिक्स करते हैं, तो साथ में शीरा बना लेते हैं। शीरे के लिए हमने 2 कप चीनी ली है और 1 कप जो है उसके अंदर पानी डाला है। अब इसको पकाना है और इतना पकाना है कि इसका जैसे एक तार नहीं जैसे कहते हैं वो बनना शुरू हो जाए। और अब हम ये ड्राई फ्रूट हमें चाहिए होंगे अपनी हल्दी में डालने के लिए। ये हैं खजूरें हैं, बादाम हैं, काजू हैं और खोपरा है और किशमिश है। तो अभी हमने हल्दी मिक्स करके इसको अच्छी तरह से हम अभी भून रहे हैं। अब हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट डालना शुरू करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, मैंने 1-1 कप लिया है तकरीबन सारा ड्राई फ्रूट। तो ये 1 कप जो है हमने नारियल कश किया हुआ इसके अंदर डाल दिया है और 1 कप कटे हुए काजू जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं, 1 कप कटे हुए बादाम इसके अंदर डाल दिए हैं, 1 कप किशमिश जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद साथ साथ मिक्स करते जाएं ताकि नट्स अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाएं। हमने खजूरें भी डाल दी हैं। तो जब सारे हम अपने ड्राई फ्रूट अंदर डाल देंगे फिर उसके बाद हम शीरा जो है ना वो इसके अंदर मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि वो सारा अपने अंदर अब्जॉर्व करता जाए। साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके हम शीरा अंदर डालते जाएंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और ये सारा शीरा इसमें मिक्स करने के बाद अच्छे से उसको जो है ये जान कर लेंगे शीरे को और ये सारी जो पंजीरी है इसको। तो ये हमारा रेडी है। इसको आप जो है इसकी टुकड़ियां भी काट सकते हैं इस तरह से किसी भी थाल में, उसके ऊपर तेल लगा दें, उसको अच्छे से इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे सेट कर लें और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसकी टुकड़ियां काट लें और इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं, इसको हलवे के तौर पे ऐसे ही खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी इसको करना चाहें। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।